और ये कहा गया और ये पहले होता था कि भाई जनता के हित की बात ज़्यादातर, हिंदुत्व की बात ज़्यादातर, युवाओं के, बेरोजगारों की कहानी ये बोलते थे। और हम भावनात्मक रूप से इनसे जुड़ करके इनके साथ हमने अनवरत कार्य किया। इसके लिए भी हमने लगातार अपना धरना प्रदर्शन खूब किया कि जिसको कोई रोजगार नहीं मिलता, जिसको कोई काम नहीं मिलता, वो बीएड कर लेता है। रोजगार इनके पास है नहीं, किसान है हमारा, आज किसान बेहाल है, किसान रो रहा है, किसान रो रहा है। इसलिए ये एसी में बैठ करके जो भी बिल बना दें वो पर थोप दिया जाता है, वो बिल्कुल कामयाब नहीं है। आगे आने वाले किसान में समय में किसान की खेती भी किसान के पास नहीं रहने वाली है। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर की सदर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कई प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी को लेकर एक राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से उर्मिला रोधी राजपूत भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 30 साल पहले भाजपा में कार्य कर चुकी हैं। उसके बावजूद भी दूसरी पार्टी से उन्हें टिकट लेना पड़ा है, क्या इनकी मजबूरी थी और क्या कुछ ये जनता के बीच में मुद्दे लेकर उतरी हैं और किस तरह का प्यार जनता से मिल रहा है, ये सारी बातें इनसे हम करेंगे, चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो उपचुनाव होने वाला है सदर सीट पर किस तरह के उसमें रुझान इनकी तरफ आ रहा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 30 साल का तजुर्बा आपको बीजेपी में रहकर राजनीति का हुआ, उसके बावजूद भी आप दूसरी पार्टी से टिकट ले गई हैं, क्या इसकी वजह रही दूसरी पार्टी से टिकट लाने की? देखिए, हम एक मानसिकता से जुड़े थे इस पार्टी के साथ और ये कहा गया और ये पहले होता था कि भाई जनता के हित की बात ज़्यादातर, हिंदुत्व की बात ज़्यादातर, युवाओं के, बेरोजगारों की कहानी ये बोलते थे। और हम भावनात्मक रूप से इनसे जुड़ करके इनके साथ हमने अनवरत कार्य किया, अनेक पदों पर रहकर कार्य किया। लेकिन जिस डिफरेंस के कारण ये पार्टी जानी जाती थी कि अन्य पार्टियों से अलग है, वो सारे आज सारे डिफरेंस खत्म हो गए हैं। वो सारी चीज़ें अब उसी लाइन पे भाजपा भी चल रही है जो अलग दूसरी पार्टियां चलती थी। जैसे उसका एक जीता जागता उदाहरण परिवारवाद भी है। हम दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट पर, दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते थे कि ये तो परिवारवाद इनमें हावी है, एक ही परिवार के पीछे सब चल रहे हैं। आज वही चीज़ भाजपा में भी देखने को मिल रही है, अनेक जगह का उदाहरण है, उसके साथ साथ बुलंदशहर का भी यही उदाहरण आया है। आप जो मुद्दे लेकर मैदान में उतरी हैं चुनावी मैदान में, किस तरह का जनता से आपको प्यार मिल रहा है और किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? मैं जमीन पर रहने वाली, देहात की रहने वाली, किसान की बेटी, जमीन के मुद्दों को, आम आदमी की परेशानी को अच्छी तरह समझती हूँ। मैं अपने एक विद्यालय की प्रधानाचार्य भी हूँ, उन अध्यापकों की पीड़ा को भी मैंने नज़दीक से देखा। जो वेल क्वालिफाइड युवा है वो छोटे छोटे विद्यालयों में बड़े छोटे छोटे पैसों पर 1000-2000 की भी वो नौकरी कर रहा है, उनके लिए भी हमने लगातार अपना धरना प्रदर्शन खूब किया। रेणु मिश्रा जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष भी है वित्तवीन शिक्षक महासभा की, मैं आपको जानकारी दे दूं, मैं वित्तवीन शिक्षक महासभा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूं, बेसिक सीनियर शिक्षक संघ की भी मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। उस संगठन के दम पे, उन संगठन के माध्यम से मैंने अपने प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी बहुत कार्य किया है। अब जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में ये देखती हूँ कि युवा एमए, बीएड, एमएससी, बीएड और ये सब पीएचडी जैसे कर करके भी ऐसे छोटे छोटे विद्यालयों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं इनमें काम करके, तो उनके क्वालिफिकेशन का भी कोई यूज़ नहीं हो रहा। और जब एक बार निशंक जी से पूछा गया था तो निशंक ने कहा कि जिसको कोई रोजगार नहीं मिलता, जिसको कोई काम नहीं मिलता, वो बीएड कर लेता है। इनकी ये सोच हो गई है, यदि बीएड इतनी बुरी डिग्री है तो इसको बंद क्यों नहीं करते, क्यों युवाओं का पैसा खर्च करा करके उनको बीएड करा रहे हो? तो और रोजगार इनके पास है नहीं, जब कहते थे इतनी नौकरी हम देंगे। दूसरा, जो किसान है हमारा, आज किसान बेहाल है, मंडी में ले जाता है। मेरी एक मंडी में आड़त की भी दुकान है, वहाँ भी मैं जाती हूँ, किसान और व्यापारी दोनों से मेरा संपर्क है। उसको आज अपनी फसल का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा, किसान रो रहा है। भाजपा ने जो किसानों के लिए बिल बनाया, उससे पहले आप भाजपा में ही थी जी, बिल्कुल, जब तक ये बिल पास हुआ था, तो अब आपने भाजपा छोड़ दी है, तो इस बीच में जो बिल है उसको लेकर आपको क्या लगता है, किस तरह की आपकी प्रतिक्रिया कि वो बिल किसानों के हित में कितना है या फिर उनके खिलाफत पे कितना है? किसानों के हित में ये बिल बिल्कुल भी नहीं है। ये आगे आने वाले समय में जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं, ये कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट खेती करवाएंगे, आजकल दो भाइयों का तो कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पाता। कोई बड़ा व्यापारी आएगा, वो हमको इकट्ठा करेगा, तब तो वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
तो ये कैसे संभव है? ये सब हवा हवाई है। और उस समय ये सारी बात यह है कि कार्यकर्ता की भावनाओं को ऊपर जो हम कहने की भी कोशिश करते हैं, कोई सुनता नहीं है। इसलिए ये एसी में बैठ करके जो भी बिल बना दें वो पर थोप दिया जाता है, वो बिल्कुल कामयाब नहीं है। आगे आने वाले किसान में समय में किसान की खेती भी किसान के पास नहीं रहने वाली है। अपने क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्षेत्रवासियों से कहना चाहती हूँ कि इनके जुमलों में, इनके लोक लुभावन जो इनके नारे हैं, जो इनका कहना है, उसमें बिल्कुल ना आए, होशियार हो जाएं और सतर्क होकर के इनसे बचें और इनका विरोध करें हर स्तर पर। इनका कोई प्रत्याशी नहीं जीतना चाहिए इनको, तो अब जहां ये थे वहीं वापस हमको पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, यहां से चले। तो ये थी हमारे साथ उर्मिला लोधी राजपूत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो किसानों के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरी हैं और भाजपा में परिवारवाद की स्थिति बनी हुई है। सिंपथी वोट के लिए उन्होंने अपनी जो दिवंगत विधायक थे उनकी पत्नी को वोट टिकट दे दिया है, जिसके लिए खासा निराशा देखी गई है। कैमरा पर्सन दानिश गफ्फार के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज़, बुलंदशहर। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।